हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णमा सिंह। मैं हूं पूर्णमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टैरो पूर्णमा फैमिली पर। ओके, तो आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर के आई हूं। आज सैटरडे का दिन है। जो लोग मेरे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि आज की रीडिंग हमारी किस चीज़ की होती है। तो ऑफकोर्स आज की रीडिंग है हमारी उनके करेंट फीलिंग्स के बारे में। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी अपडेट एज वेल कि जो पर्सन कुछ भी सोच रहा था उसमें कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं, तो वो चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे रखी है तीन पाइल। सबसे पहला पाइल है हमारा ब्लैक पाइल, फिर ऑरेंज पाइल और उसके बाद लास्ट में है वाइट पाइल। अभी मैं आपको टाइम दूंगी, आपको अपने पाइल को सेलेक्ट करना है, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी और आपको उस रीडिंग को सुनना है। तो बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट करें, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग करूँगी ब्लैक पाइल की, फिर ऑरेंज की और फिर वाइट की। तो पहले हम अपने और सारे पाइल्स को हटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने ब्लैक पाइल के साथ। ओके, तो चलिए, ये हो गया हमारा ब्लैक पाइल। तो देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला कार्ड है हमारा द मून, द शिप। ओके, उसके बाद हमारा कार्ड्स है फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्स एंड फ्रेंडलीनेस एंड अवेयरनेस। ओके ओके, सो और ये हमारे कुछ कार्ड्स हैं जिन्हें मैं आपके आंखों के सामने लाइव शफल करूंगी एंड हेल्प यू आउट। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो काफ़ी सोच विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, सो अभी जो मतलब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर की अगर करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जीज़ आप देखते हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत इन एंड आउट की भी एनर्जी में हो सकते हैं। ओके, खुद तो ये मेंटली स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग को लेकर के। ओके, कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, सारे थॉट्स पे टेंशन पे किया जा रहा है, क्या चीज़ है, कैसे है, क्या करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। और बैक ऑफ द माइंड में इमोशंस भी हैं। ओके, तो ये सारा कन्फ्यूजन इमोशन को लेकर के है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, यही रीज़न है कि वो इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप टूट गया हो या ख़राब हो गया हो, कब एक छोटी सी पॉज भी आ सकती है जिसको हो सकता है ज़्यादा ही बड़ा पॉज समझ रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं इमोशनली लुक फॉरवर्ड करने के एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, एक आपस में एक दूसरे के लिए इमोशंस होना, एक दूसरे को इमोशनली लुक फॉरवर्ड करना, इन सारे चीज़ों की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में नज़र आ रही है। ओके, तो ये एक चीज़ है। तो इमोशन वाला जो साइड है आपके पार्टनर का, वो मुझे नज़र आ रहा है। ओके, थोड़ा इनके माइंड में अपने पास्ट मिस्टेक्स को लेकर के, जो भी मिस्टेक्स आपके पार्टनर ने करी होंगी उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डर भी है। ओके, तो आप ये चीज़ तो इमेजिन कर ही सकते हो कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ पास्ट में चीज़ें आपके पार्टनर के साइड से गलत हुई हैं जो उनको रियलाइज़ है। ओके, अब आप उस चीज़ पे कोई नई स्टार्ट करने को कहोगे, अब आप उस चीज़ पे ये बोलोगे कि चलो इस पे कुछ नया करते हैं या इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ आपको फियर नज़र आएगा कि ये नई चीज़ों को ट्राई करने में काफ़ी फियरफुल हैं। ओके, काफ़ी इनको ऐसा सा लग रहा है कि नहीं पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या होगा इसका आउटकम, क्या होगा इसका रिजल्ट, क्या होगा। ओके, दूसरी बात है विजिलेंस। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप पे नज़र रख रहे हैं, वेदर इट बी सोशल मीडिया से हो या आपके फ्रेंड्स के थ्रू हो। तो फ्रेंड्स के थ्रू ये पर्सन आपसे आपके बारे में आपके इन्फॉर्मेशंस रखेगा, आइडिया रखेगा कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में या क्या नहीं कर रहे हो। ओके,
कनेक्शन मुझे अभी भी आप दोनों का नज़र आ रहा है। सो चीज़ें अच्छी हो या बुरी, ये पर्सन आपके थॉट में आएगा, आप इनके थॉट में जाओगे। ओके और इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर के माइंड में काफ़ी अवेयरनेस भी है, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करते होंगे कि वो आपको अपने माइंड से नहीं निकाल सकते हैं। ओके वो आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से नहीं निकाल सकते हैं। ओके एक पूरा इमोशन है उनका जो आपसे जुड़ा हुआ है, ओके जो आपसे रिलेटेड है। ओके तो ये कितना भी चाह लें, कितना भी कुछ कर लें कि ये आपसे अलग हो जाए, अभी आपसे अलग होना इज समथिंग विच इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके आपसे अलग होना अभी पॉसिबिलिटी के एनर्जी में मुझे नहीं नज़र आ रही है। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो है अवेयरनेस का। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी गलतियां हुई हैं उसका अवेयरनेस आपके पार्टनर के अंदर है, मगर एट दी सेम टाइम डर भी है क्योंकि कुछ थॉट्स हैं जो उनको रोक रही हैं आपसे कनेक्ट होने से। ओके कुछ चीज़ें हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो अभी उनको ये रियलाइज़ करना होगा कि पास्ट की चीज़ें पास्ट में हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था तो अब इस रिलेशनशिप पे फोकस करने की ज़रूरत है। हाँ कहीं ना कहीं मुझे अकेले रहने की भी एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन थोड़ा अकेले रहना चाहता है या उन लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं जो इनके लाइफ में काफ़ी समय से इनके साथ रहे हों। ओके और इनकी इनका भी इमोशनल टर्मोइल्स काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये इमोशनली बिल्कुल हैप्पी हैप्पी सा फील कर रहे हैं, इनका भी इमोशनल टर्मोइल्स काफ़ी ज़्यादा है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे थोड़ा बाहर की तरफ रिलेशनशिप से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, बट अभी तक कनेक्शंस टूटे नहीं हैं। तो ऑफकोर्स इन एंड आउट में ही सही, मगर आपकी बात ज़रूर होगी। मैंने आपको कहा था कि सिचुएशंस इनके लिए भी ईजी नहीं है। ओके तो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन रहेगी, मगर स्टेप लेने के लिए जो करेज चाहिए वो करेज नहीं है। ओके तो आप अगर इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो या इस चीज़ पे बैठे हो कि ये पर्सन सामने से आपसे कांटेक्ट करने आएंगे, तो नहीं, बहुत मुश्किल होने वाली है। ये सामने से आपसे कांटेक्ट करने को नहीं आएंगे। हाँ ये आपको हिंट दे सकते हैं, ये आपको ऐसा फील करा सकते हैं या ऐसा दिखा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उन हिंट्स को आपको पिकअप करनी पड़ेगी। ओके एट द सेम टाइम इमोशंस हैं, मनी का भी इश्यूज़ पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मनी इश्यूज़ नहीं हैं, तो जॉब के जाने का डर या जॉब चला गया हो उस टाइप का भी सिचुएशन इनके लाइफ में होगी, उसके वजह से भी आपके इमोशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। इनका वर्क डिमांड जो है पास्ट कुछ टाइम में काफ़ी बढ़ा है। ओके तो वर्क डिमांड्स बढ़ने की वजह से रिलेशनशिप पर प्रॉपर फोकस नहीं जा पाया। ओके और काफ़ी तेज़ी से इनको अपने ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती होगी, काम के मुद्दे में या फैमिली के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ी होगी, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आपके पार्टनर के हो रही हैं जो कि वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि काफ़ी जल्दी जल्दी हो रही हैं। ओके तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो यहाँ पे है। एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए ये रिलेशनशिप अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है और अभी ऐसा ख़त्म होने की एनर्जी पे मुझे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। तो अभी इट्स इज़ गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम। वो अभी आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, कभी आपसे बात होगी कभी नहीं होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी, ये चीज़ आपको फेस करने को मिल सकती है। बट इस चीज़ से ज़्यादा वरेड नहीं होना है क्योंकि इसको, इस प्रॉब्लम को अगर प्रॉपरली टैकल किया जाए तो ये प्रॉब्लम टैकल हो सकता है बिकॉज ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड है। ओके अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि इनके पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ओके सो यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि है कि देखिए ये पर्सन, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ये हो सकता है कि अपने पर्सनल लाइफ में भी अनसर्टेनिटीज़ को फेस कर रहे हों, अनसर्टेन सिचुएशन हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो करेज नहीं है कि ये वन ऑन वन आपको या अपने फैमिली को बता सकें कि हाँ वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में है, या कोई एक चीज़ उन्हें रोकती होगी बिकॉज इस पर्सन का इमोशंस हैं आपके लिए। ओके बट ये अपने इमोशंस पे काफ़ी यू टर्न ले रहे हैं, तो ये एक मजबूरी की हालात है
और ऐसे ही सिचुएशन में जब वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको छोड़ भी नहीं पाएंगे, तो वो एक ऐसा ऑफर आपके सामने रख सकते हैं कि क्यों ना हम दोस्ती करके साथ रहते हैं, या थोड़े टाइम अपने रिलेशनशिप को पॉज करते हैं और फ्रेंडशिप वाले जोन में साथ रह के देखते हैं कि हमारी चीज़ें कैसी होंगी। तो ये सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारी मजबूरियाँ हैं जो आपके पार्टनर आपको नहीं बता रहे हैं, और फॉर दैट मैटर ये बताएंगे भी नहीं, तो फाइंड आउट भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। बट ये बहुत मतलब फंसे हुए सिचुएशन में है ये पर्सन, क्योंकि ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं और इस चीज़ के लिए अवेयर भी हैं कि ये आपके साथ रहते तो ये खुश रहते हैं, बट हिम्मत नहीं जुड़ा पा रहे हैं कि आपके साथ रहने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो सोसाइटी के सामने एक्सेप्टेंस चाहिए, वो ये आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स। अब आप मेरे से पूछोगे, बहुत टाइम पे मैंने देखा है कि लोग पूछते हैं कि मैम क्या वो मेरे बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। तो ट्रस्ट मी, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, ऑफकोर्स सोचते हैं, नहीं सोचने का तो सवाल नहीं उठता है। और उनके लाइफ में जो अभी दुखी दुखी सा माहौल है, जो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ना वो आपको खुल के अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, ना ही वो आपसे दूर रह सकते हैं, और उनके हालात आपको और उनको दूर रहने के लिए मजबूर कर रही है। तो एक होता है ना कि फैमिली के सामने नहीं बता सकते, या दोस्तों के सामने एक्सेप्टेंस नहीं है, इस टाइप का एक जो सिचुएशन होता है, या फैमिली में स्ट्रिक्ट मेंबर्स होने की वजह से फैमिली के सामने ना बोल पाना, और थोड़ा इनको करेज की कमी है। तो और आप जिस टाइप के होगे उसमें आपको करेज की कमी नहीं होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग मिलके हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो सिचुएशंस भी आपके लाइफ में या आपके सिचुएशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो ये सारी करेंट फीलिंग्स मुझे ब्लैक पाइल पीपल आपके पार्टनर की नज़र आई हैं, जो मैंने आपको जहाँ तक हो सकता था बताया है। जो जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आई मैंने आपको बताई है। तो ब्लैक पाइल पीपल आपकी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पाइल होगा वो होगा ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं और क्या है ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए। तो ये हमारा ऑरेंज पाइल है। तो और ये हमारे ऑरेंज पाइल के कार्ड्स हैं। ऑरेंज पाइल पीपल, तो ऑरेंज पाइल पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, तो ऑरेंज पाइल पीपल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है उसमें नॉलेज का बहुत लेना देना है। तो कुछ नॉलेजेबल सा सिचुएशन है, कुछ नॉलेज टाइप की चीज़ें हैं। आप दोनों, हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे होगे। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन, या आप दोनों ही काफ़ी नॉलेजेबल होगे, इंटेलेक्ट टाइप के होगे। यहाँ पे मुझे मैरिज टाइप का भी सिचुएशन नज़र आ रहा है। और मैरिज में डिफ़िकल्टीज भी नज़र आ रही हैं। तो आपकी शादी बहुत इजी से तरीके से नहीं हुई होगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें आई होंगी। और तो बहुत मेजर तो दिक्कतें नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, छोटी मोटी दिक्कतें आई होंगी आप लोगों के शादी में, बट समहाउ चलो बन गया काम। हो गई चीज़ें, या अगर मैरिज के लिए सोच फॉर दैट मैटर, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स आएंगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। इस चीज को मेंटली थोड़ा एक्सेप्ट करके चले तो आपके लिए भी बेहतर होगा और आपके पार्टनर के लिए भी बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, आप दोनों काफी मतलब एम्बिशियस हैं अपने रिलेशनशिप में और अपने लाइफ में भी, और काफी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले टाइप के रिलेशनशिप में हैं आप लोग। बट यहाँ पे जो मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है, वहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं। तो अगर किसी बात को वो मान रहे हैं, किसी बात में वो फेथ रख रहे हैं,
तो वो उस बात पे इतना ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में यकीन कर रहे हैं कि उन्हें और कुछ देखने से कोई लेना ही देना नहीं है। आप इन्हें कितना भी बोलो कि देखो सच ये है, सच वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो या सोच रही हो, तो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका सच उनके लिए वही है जो उन्होंने अपने लिए सोचा है। तो ये एक काइंड ऑफ फेक बबल है। अब यहाँ पे मैरिज हो या ना हो, बट आपके मैरिज में एक जो सबसे बड़ी, आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगी वो होगी आउटर इन्फ्लुएंस। बाहर वाले लोगों की वजह से आपकी चीज़ें खराब होना। अदरवाइज मुझे रिलेशनशिप में कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप उनको हमेशा बताओगे कि देखो आप गलत कर रहे हो, बट वो उस चीज़ को सुनेंगे नहीं। जब सुनेंगे तब तक समय जा चुका होगा और तब तक रियलाइज़ करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो ये इल्यूजन से बियॉन्ड इल्यूजन में जाने में काफ़ी समय लगेगा आपके पार्टनर को। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत इजीली ये सच को देख पाए, तो नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एट प्रेजेंट आपके पार्टनर को देखने और समझने की ज़रूरत है। जो आपके पार्टनर को अभी समझना चाहिए। यहाँ पे मुझे एक चीज़ और लग रही है कि आपके पार्टनर का थोड़ा फ्लर्टियस नेचर है। थोड़ा उनके लाइफ में और भी लोग हैं, चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है, या फ्रेंड ही हो, मगर कहीं ना कहीं और भी उनका इमोशनल डाइवर्जेंस मुझे थोड़ा नज़र आ रहा है। नाउ आप अगर ये सोच रहे हो कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो अब कैसे होगा, तो ये हो सकता है। अब ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो मास्टर की एनर्जी है, और मास्टर की एनर्जी होने का मतलब होता है कि वो डिसाइड करेंगे कि चीज़ें कैसी होंगी कैसी नहीं। बट आपका भी जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और तर्रार है, तो आपको पता होगा कि ये पर्सन आपके पीछे से, मतलब पीछे कर क्या रहे, मतलब जब आप प्रेजेंट नहीं होते हो तो ये पर्सन क्या कर रहे होते हैं। तो इनको लगता होगा कि इन्होंने आपको मोल्ड कर दिया, इन्होंने आपको चीज़ें जैसे ही आपको समझाना चाहते थे समझाने में सक्सेसफुल रहे, और आप ऐसा प्रिटेंड भी करोगे कि आपने भी वही चीज़ें समझी जो वो समझाना चाहते थे। आप कोई रेड फ्लैग रेज नहीं करोगे कि नहीं देखो तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, मगर आप अभी थोड़ा वेट कर रहे हो कि ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं उस पर आपको फुल प्रूफ चाहिए कि ये पर्सन किस पर्सन की बात सुन रहा है। ये पर्सन किस पर्सन के अकॉर्डिंग चल रहा है, और आपके मन में दो तीन ऑप्शंस भी हैं, और वो जो दो तीन ऑप्शंस हैं उन्हीं में से कोई एक पर्सन है। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, अभी एक जनरल रीडिंग है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी रेजोनेट करे, मगर हाँ अगर आप शांति से बैठ के इनके एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे हो या चुपचाप से चीज़ों को देख रहे हो, तो भी मेरा एक रिकमेंडेशन है आपको जो आप फॉलो करें। सो आप अपने स्टेप्स काफ़ी प्रिकॉशन के साथ लें, और इस बात का ख्याल रखें कि ये पर्सन आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करे। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे थोड़ी क्लेवरनेस नज़र आ रही है, क्लेवर एक्ट कर रहे हैं, बहुत शातिर होने के तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ है जो आपको देख के चलनी पड़ेगी। अगर आपको कोई इंट्यूशन आता है तो उस इंट्यूशन के सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपको कुछ ड्रीम्स आते हैं तो वो ड्रीम्स सही हो सकते हैं। आपको एक बात बता दूं कि ये आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मगर किसी और की बात बहुत अच्छे तरीके से सुनी जा रही है। और उस जगह पे इनको कोई कंफ्यूजन नहीं, उस जगह पे इनका इमोशंस बिल्कुल सॉर्टेड है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अभी प्रेजेंटली इनके फैमिली और इनके फ्रेंड्स पे ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो लोग भी आपसे चीज़ें जैसी हैं वैसा ना बता करके अलग बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि थोड़ा इनके फ्लर्टियस नेचर पे, या थोड़ा जो फ्लर्टी फ्लर्टी सी चीज़ें हैं उन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। तो चलिए हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। और इंस्पायर्ड पीपल, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। एंड जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ऑफकोर्स मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो
ऑरेंज पाइल पीपल नमस्ते. नेक्स्ट हमारी जो रीडिंग है वो है ब्लैक सॉरी व्हाइट पाइल पीपल के लिए. तो देखते हैं कि व्हाइट पाइल पीपल के लिए क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं. ओके तो ये हो गया हमारा व्हाइट पाइल, और व्हाइट पाइल के लिए क्या चीज़ें हैं. माइस, सन, ओके. सो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं, ओके, तो करंट फीलिंग्स में कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, एक्सेसिव प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार है. बट आप लोगों के रिलेशनशिप की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी उनको कहते ना कि एकदम सबके सामने लाके चीज़ों को ख़राब किया गया है. आप लोगों ने जाने अनजाने इतने सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप में एंट्री दे दी कि उन लोगों ने आपके हैप्पी सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश की होगी. अब चलिए सबसे अच्छी बात यह है कि ख़राब करने वालों ने ख़राब करने की तो बहुत कोशिश की होगी, मगर डिवाइन ने इसे बार बार ही आके संभाला है, चीज़ों को सही रखने की कोशिश करी है. ओके हाँ, मगर और लोगों के वजह से यहाँ पे अनसर्टेनिटीज आई होंगी. या तो एक पार्टनर का देखिए डेडिकेशन दोनों के साइड से है, मगर एक पार्टनर मुझे काफ़ी लेजी और काफ़ी बीमार टाइप का भी नज़र आ रहा है, जिसके वजह से वो अपना फुल जिसको कहते हैं ना इंथुजियाज्म के साथ रिलेशनशिप को चलाना, वो चीज़ नहीं कर पाए. ओके या एक पार्टनर काफ़ी टेंशन में होने की वजह से चीज़ों को या रिलेशनशिप को अपना 100% नहीं दे पाए, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि क्या मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ वहाँ मेरी वैल्यू हो रही है, कद्र हो रही है या नहीं हो रही है. ये चीज़ें आपके पार्टनर को मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती हैं, उनको बुरा लग सकता है, वो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं और वो आपसे पूछेंगे तो नहीं, बट हाँ उनका एंगर और फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा. तो यहाँ पे थोड़े एफर्ट्स मैं आपको कहूँगी कि आपको भी देने चाहिए. अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी तीसरा पर्सन कुछ बोलना चाहता है तो आप उस पर्सन को थोड़ा बाहर ही रखने की कोशिश करें, और कोई तीसरा पर्सन इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो इट्स हाई टाइम कि आप अब अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ये आपके लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है कि अब सुधारने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए. आप हमेशा अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वही अपनी आपके चीज़ों को और रिलेशनशिप को सुधारते रहें, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी जो माइंड है वो काफ़ी टेंशन और वरी की एनर्जी पे मुझे नज़र आ रहा है. यानी आपके पार्टनर काफ़ी वरिड होंगे, काफ़ी सोच विचार कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें उनके माइंड में चल रही होंगी. उनको खुद को नहीं पता होगा कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चीज़ें चलानी चाहिए कैसे नहीं चलानी चाहिए. ओके बट हाँ, यहाँ पे डिवाइन उनकी थोड़ी हेल्प कर रहा है, और बाय नेचर क्योंकि ये एक अच्छे पर्सन थे इसलिए इनके इतने टेंशन के बावजूद भी डिवाइन इनको पीस दे रहा है बार बार, और ये हील कर पा रहे हैं. तो ऐसे लोग काफ़ी मेडिटेट भी करते हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर मेडिटेशन में हो या सेल्फ हीलिंग में हो, सेल्फ केयर में हो, इस टाइप के सिचुएशन में वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से इतने टेंशन के बाद भी वो अपने आप को संभालने में परिपूर्ण तरीके से सही हैं. ओके दूसरी बात होती है सन की एनर्जी. तो सन की एनर्जी इनकी काफ़ी स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि इनके कुंडली में इनका सन काफ़ी हाईली प्लेस्ड भी हो, ओके, और फेवरेबल प्लैनेट्स में हो, तो ये एक चीज़ है. दूसरी बात ये है कि अपने रिलेशनशिप में डर, भय, अनसर्टेनिटी, कमिटमेंट इश्यूज, इन सारी चीज़ों को निकालने की कोशिश कीजिए, इन सारी चीज़ों से फाइट करने की कोशिश कीजिए. एक दूसरे का सपोर्ट आपको बनना पड़ेगा. ये पर्सन आपके बारे में बहुत चीज़ें सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और आपसे ट्रू लव करते हैं, बिकॉज हाँ अब उनके पर्सनल लाइफ में टेंशन है जिसके वजह से वो आप पे फुल्ली डेडिकेटेड होके अभी चीज़ें नहीं कह पा रहे हैं, तो उससे आप ज़्यादा वरिड ना हो, ये कनेक्शन आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा. मगर यहाँ पे और लोगों का इंटरफेरेंस लेना तुरंत ही बंद कर दें. अगर कोई और किस
कुछ भी आपके रिलेशनशिप में बोलना चाहता है या कहना चाहता है, तो आप उस पर्सन को तुरंत ही मना कर दें या वहाँ से आप कह दें कि ठीक है फाइन, हमारा रिलेशनशिप है, हम लोग इसको थोड़ा संभालने की कोशिश करें या जो भी। ओके और लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर थर्ड पार्टी की एंट्री इस रिलेशनशिप में हुई तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। ओके आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ही मैसअप हो जाएगा। चीज़ें आप नहीं संभाल पाओगे तब, तो थर्ड पार्टी की एंट्री से आपको अपने रिलेशनशिप में बचना है। अब आपके पार्टनर इमोशनली बहुत वीक हैं, ओके इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो इनसे हमेशा कनेक्ट करते रहें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि थर्ड पार्टी की एंट्री अपने रिलेशनशिप में नहीं होने देना है। इसकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है कोई पर्सन आपके पार्टनर के लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहा हो, और उस वो पर्सन अगर एंटर करने की कोशिश करेगा तो आपके पार्टनर उसके बारे में कहीं ना कहीं सोच विचार भी करने लगेंगे। तो उससे पहले की चीज़ें आपकी बिगड़ें, आप खुद ही अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके अगर थर्ड पार्टी आप मेरे से पूछते हो कि इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, बस इस वीडियो के लिए, वाइट पाइल के लिए, तो ये कोई फ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड टाइप का पर्सन हो सकता है। ओके जो इनके लाइफ में बहुत समय से हो, कोई ऐसा पर्सन जो कि इनसे कभी इमोशनली कनेक्टेड रहा हो, कोई ऐसा पर्सन जिसको लेके ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम में सीरियस रहे हो, इस टाइप का कोई पर्सन हो सकता है। क्योंकि इस पर्सन के एंट्री के बाद आपके पार्टनर की जो स्टेबल एनर्जीज हैं वो काफ़ी अप डाउन होने लगेंगी, तो कहीं हद तक वो किसी और डायरेक्शन में चीज़ों को सोचने लगेंगे, तो इस सिचुएशन से बच के रहना है। और अगर थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है तब तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के केस में एंट्री हो रही होगी और बहुत सारे लोगों के केस में एंट्री हो चुकी होगी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी से जल्दी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं उतना ज़रूरी है अभी उनसे कनेक्ट करना। ओके उतना बेहतर रहेगा आपके लिए उनसे कनेक्ट करना और चीज़ों को आगे मूव फॉरवर्ड करना। ओके प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, आपके पार्टनर का जो माइंड है वो काफ़ी आने वाले समय में अप डाउन हो सकता है, स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीज हो सकता है, फाइनेंशियल लाइफ पे बाधा आ सकती है, तो वहाँ पे उनका माइंड थोड़ा मेस्ड अप होगा, तो आप वहाँ पे भी उनकी सपोर्ट के लिए खड़े रहें, उनका सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ें। ओके इस पर्सन को अकेले थोड़ा अभी ना छोड़ें, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा वरिड हो सकते हैं। और यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की एक एनर्जी मुझे थोड़ी गड़बड़ नज़र आ रही है, वो ये है कि कहीं ना कहीं ये आपसे प्यार तो करते हैं मगर कमिटमेंट का थोड़ा चक्कर है, तो बस आई लव यू बोल देने से ही कमिटमेंट नहीं हो जाती है। ओके कमिटमेंट में आप एफर्ट डाल रहे हो या नहीं, चीज़ें कर रहे हो या नहीं, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी फैमिली के फेयर से या दुनिया के फेयर से ओपनली आपको नहीं दिखा रहे हैं अपना कंसर्न। कभी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और कभी तो इनको कोई लेना देना ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इनकी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। ओके तो ये सारी एनर्जीज मुझे वाइट पाइल के लिए नज़र आई हैं जो मैंने वाइट पाइल को बताई है। तो आई होप वाइट पाइल पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, बाय बाय। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।